हेलो एवरीवन, अमित आर्ट्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में यह बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाना सीखेंगे। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक बहुत ही सुंदर सीस्केप पेंटिंग है। इस पेंटिंग को सीखने के लिए आप यह वीडियो सीस्केप के पूरा देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। इस पेंटिंग को बनाने के लिए हमने जिस मटेरियल का प्रयोग किया हुआ है इस प्रकार है। शुरू करते हैं अपनी इस सुंदर पेंटिंग को बनाना। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी पेंटिंग के लिए एक रफ स्केच तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं एक बोर्ड की ड्राइंग बना रहा हूँ। देखिए, हमारी बोर्ड की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम अपनी इस ड्राइंग में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे हम यहाँ पर ओरिजिन को दिखाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर दो डायगोनल लाइंस लगाएंगे, जो कि हमारे बोर्ड के सामने वाले हिस्से के साथ जॉइन होंगी। अब हम यहाँ पर दो वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। इन लाइंस के साथ हम यहाँ पर बोर्ड का एक पाल बनाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो हमने वर्टिकल लाइन लगाई थी, उस पर दो हॉरिजॉन्टल डायगोनल लाइन लगाएंगे।
उसके बाद अब यहाँ पर हमें एक कर्व लाइंस ड्रॉ करनी है। आप इस पार्ट को ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें बहुत सारी कर्व लाइंस की ड्रॉइंग बनानी है। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ और हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएंगे जो कि हमारी हल्की डायगोनल होंगी। इसके बाद हम यहाँ पर एक कर्व लाइन लगाएंगे और ऐसे ही हम नीचे की तरफ भी एक कर्व लाइन लगाएंगे। इसके बाद एक बार फिर हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे और इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ पर जो भी कर्व लाइन लगाई है उसके साथ में से हम इसको लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर दो वर्टिकल लाइंस और ड्रॉ करेंगे। और अब हम यहाँ पर अपनी इस वर्टिकल लाइन को और हॉरिजॉन्टल डायगोनल लाइन के एक कर्व लाइन के साथ मिला देंगे। ऐसे ही हमें नीचे एक तरफ भी एक कर्व लाइन लगानी है। Thank you.
इन सब के बाद हम यहाँ पर एक फ्लैग की ड्राइंग बनाएंगे, यानी कि एक झंडा ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर। फ्लैग की ड्राइंग बनने के बाद हम यहाँ पर अपने दो एक छोटा सा रूम बनाएंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर कर्व लाइन के साथ क्लाउड्स यानी कि बादलों की ड्राइंग बनाएंगे। हमें ये सभी क्लाउड्स बोर्ड के चारों तरफ बनाने हैं।
इसके बाद हम यहाँ पर नीचे की तरफ से पानी की लहरें दिखाने के लिए कुछ कर्व लाइंस की ड्राइंग बनाएंगे। इसी के साथ हमारी ड्राइंग पेंटिंग का रफ स्केच तैयार हो जाएगा। अब हम अपनी इस पेंटिंग में कलर फिल करेंगे और इन कलर्स को फिल करने के लिए हमने यहाँ पर इन कलर्स का उपयोग किया है, वे हैं डार्क ब्लू, स्काई ब्लू, ऑरेंज, येलो एंड वाइट कलर। इन सभी कलर्स को मिला करके हम अपनी सुंदर सी पेंटिंग में कलर फिल करेंगे। पहले हम यहाँ पर स्काई में डार्क ब्लू कलर फिल करेंगे। यहाँ पर हम यह कलर डायरेक्टली फिल करेंगे, हम मीन्स इसमें ज़्यादा पानी नहीं मिलाएंगे। और इसको हम फिल करने के लिए हमने यहाँ पर फ्लैट ब्रश का प्रयोग किया है। स्काई में कलर फिल होने के बाद अब हम यहाँ पर नीचे वाटर के लिए स्काई ब्लू कलर का प्रयोग करेंगे, यानी कि हमें वाटर को दिखाने के लिए यहाँ पर स्काई ब्लू कलर का प्रयोग करना है। स्काई ब्लू कलर फिल होने के बाद हम यहाँ पर डार्क ब्लू कलर से वाटर की लेयर्स दिखाएंगे, यानी कि लहरें दिखाएंगे, पानी की लहरें हम यहाँ पर दिखाएंगे। इसके बाद और लाइट की ब्राइटनेस दिखाने के लिए हम यहाँ पर व्हाइट कलर का प्रयोग कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्लाउड्स में कलर फिल करेंगे। क्लाउड में कलर फिल करने के लिए हमने यहाँ पर वाइट के साथ स्काई ब्लू कलर का मिक्स किया है, यानी कि बिल्कुल हल्का सा हमने यहाँ पर स्काई ब्लू कलर रखा है।
क्लाउड्स में कलर फिल होने के बाद हम यहाँ पर बोट में कलर फिल करेंगे, और बोट में कलर फिल करने के लिए हमने यहाँ पर सिर्फ डार्क ब्लू कलर का प्रयोग किया है। इसके बाद हमने यहाँ पर बोट के पाल्स में कलर फिल करना है, और इसके लिए हम ऑरेंज एंड येलो कलर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑरेंज कलर फिल कर रहे हैं, उसके साथ में ही हम यहाँ पर येलो कलर का भी यूज करेंगे। पाल में कलर हो गया है, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इन सब की आउटलाइन करेंगे, और इसके लिए हमने यहाँ पर ब्लैक मार्कर का प्रयोग किया है।
आपको यह पेंटिंग पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह पेंटिंग कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन से ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली हर एक वीडियो की